हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन, आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू E1 स्मार्ट वॉच का। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा E1 स्मार्ट वॉच। इसके साथ में हमें एक्सेसरीज में मिलता है, ये एक चार्जिंग केबल है जो डाटा केबल है जो हम चार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं, और ये है इसका मैनुअल। मैनुअल तो वैसे कोई पढ़ता नहीं दोस्तों, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन वैसे दिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारे स्मार्ट वॉच की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्रीमियम वॉच की तरह इसका लुक है। जो एप्पल का स्मार्ट वॉच आता है सेम उसी तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, इसका डायल वगैरह देख सकते हैं, इसका बेल्ट वगैरह देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें दो बटन दिए दोस्तों, यहाँ पर दो बटन दे रखे हैं, यहाँ पर बैक साइड में इसका माइक दे रखा है। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अंडर 500 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच है। देखिए हाथ में पहनने के बाद कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बहुत ही प्रीमियम वॉच लग रही है दोस्तों। बिल्कुल एप्पल की वॉच जो आपने देखी होगी उसी तरह लगती है सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे एक बैटरी होता है, यहाँ से इसको खोलेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर बैटरी दे रखा है जो कि 380 mAh का है। यहाँ पर सिम कार्ड स्लॉट है, मेमोरी कार्ड स्लॉट है। आपको इसमें दोस्तों 2G और 3G सिम कार्ड सपोर्ट मिलेगा, 4G आपको इसमें नहीं चला सकते हैं, लेकिन 2G और 3G आपका चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेमोरी कार्ड स्लॉट है, सिम कार्ड स्लॉट है, आप इसमें सिम कार्ड लगा सकते हैं, 2G और 3G सिम आपका इसमें चल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा माइक्रो सिम कार्ड इसमें लग जाएगा जो 2G है, 2G और 3G आप चला सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा स्मार्ट वॉच है दोस्तों। ये वन का आप अगर सर्च मारते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में ये वन स्मार्ट वॉच सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। ये जो हमारा इसका बैटरी है दोस्तों, 380 का mAh का बैटरी है, 380 mAh का ये बैटरी है। ये देखिए, हम इसको अभी ऑन करके देखते हैं। ये बटन इसको प्रेस करके रखना है, यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये देखिए स्मार्ट वॉच ऑन होते ही यहाँ पे स्मार्ट वॉच का जो नाम है वो आ रहा है दोस्तों। ये देखिए सर्चिंग हो रहा है, ये इसका भी देखिए, ये इसने नेटवर्क पकड़ लिया है, सिम कार्ड ने नेटवर्क पकड़ लिया है। इसका इंटरफेस ऐसा शो करेगा आपको, ये देखिए कॉल इसमें आ गई है, यहाँ से आपको पूरा A to Z नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको इसमें शो करेगा यहाँ पर। ये देखिए, इसमें आपको ब्लूटूथ आएगा, यहाँ पे कैमरा वगैरह आएगा, म्यूज़िक आएगा, इसमें नेट आप चला सकते हैं, पेडोमीटर इसमें दिया है, कैमरा दिया है, सारे इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दोस्तों मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पे कैलेंडर वगैरह आपको मिलेगा। ये बजट स्मार्ट वॉच है दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, और बैटरी भी इसका ठीक ठाक ही है, 380 mAh बहुत होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे पेडोमीटर दिया है, ये देखिए घड़ी वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस आपको इसमें मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच होने वाला है दोस्तों। ये देखिए रिमाइंडर आप इसमें लगा सकते हैं, अलार्म वगैरह आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, मैसेज इसमें आप मैसेज का नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएगा, मैसेज आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्कैनर वगैरह भी इसमें दिया है, म्यूजिक वगैरह आपको इसमें सुन सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, देखिए मेमोरी कार्ड हमने डाला नहीं है। इसमें आप इसमें फेसबुक चला सकते हैं, नेट आप चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2G नेट आपका चलेगा, 2G और 3G चलेगा, 4G इसमें चलेगा नहीं, 4G सपोर्ट करेगा नहीं, 2G और 3G भी करेगा तो बहुत है दोस्तों। देख सकते हैं इसका जो डायलर है, डायलर भी बहुत बढ़िया शो करता है, और एकदम प्रीमियम वॉच की तरह इसका लुक है, बिल्कुल एप्पल वॉच की तरह इसका लुक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे सेटिंग पूरा जो फ़ोन में सेटिंग है दोस्तों, जो नॉर्मल पुराने टाइम में जो फ़ोन होते थे उसी तरह इसका सेटिंग है, पूरा नॉर्मल सेटिंग है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं इसमें। देख सकते हैं
यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए नेटवर्क सेटिंग वगैरह सबको दिया है, यहाँ पे सारा सेटिंग दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, आप यहाँ से नेटवर्क चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी, डाटा अकाउंट, बहुत सारा इसमें सेटिंग है दोस्तों, और एकदम नॉर्मल है, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में है, प्रीमियम प्राइस में हमको ये मिला है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसका दोस्तों अभी हम इसका कैमरा चेक करेंगे, कैमरा उस हिसाब से तो ठीक ही है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से तो कैमरा ठीक ही है, फोटो ठीक ठाक आ जाती है इससे, ये आप देख सकते हैं ठीक ठाक फोटो आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनू, अगर मेनू के ये देख सकते हैं, मेनू में काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, फेसबुक का नोटिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं, फेसबुक आप जो है ब्राउज के ब्राउज़र में ऑन करके इसमें आप फेसबुक चला सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिले। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पे नई बात होगी, तब तक अपने और अपने की केयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर।